हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं आज विज न्यू। मैं बात करूंगा भारत मूवी के आज के दिन के कलेक्शन के बारे में कि मूवी आज के दिन कितना कलेक्शन कर सकती है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी ने अपने फर्स्ट 6 डेज में एक बेहतरीन कलेक्शन किया है, वो चाहे इंडिया में हो चाहे ओवरसीज़ में हो। लेकिन मूवी अब 7th डे में पहुँच चुकी है और मूवी का जो कलेक्शन है वो कहा जा रहा है कि वो इतना अच्छा नहीं आया है जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि मूवी का जो कलेक्शन है वो मंडे में मूवी का कलेक्शन में ड्रॉप देखने को मिला है। अगर अभी तक के पूरे कलेक्शन की बात की जाए तो मूवी का, जैसा आपको पता ही कि मूवी ने फर्स्ट डे में 42 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन किया था, थर्सडे में 31 करोड़, फ्राइडे में 22 करोड़ 20 लाख, सैटरडे में 26 करोड़ 70 लाख और संडे में, जो कि एक बहुत बड़ा दिन था, उस दिन क्रिकेट का मैच भी था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, उस दिन भी मूवी को है इतना ग्रोथ देखने को नहीं मिला था क्रिकेट वर्ल्ड कप की वजह से। मूवी ने कलेक्शन किया था 27 करोड़ 90 लाख का, अराउंड 28 करोड़ का। मूवी का अपने फर्स्ट 5 डेज़ का कलेक्शन जो हो चुका था वो 150 करोड़ के पार हो चुका था, 150 करोड़ 10 लाख। अब बात थी कि मंडे में मूवी कितना कलेक्शन करेगी। तो मंडे में यानी कल के दिन मूवी ने जो कलेक्शन किया वो अर्ली एस्टिमेट जो आ रहे हैं, यानी जो अर्ली एस्टिमेट होता है कि जो प्रिडिक्शन से बाद जो काउंट किया जाता है लेकिन वो फाइनल फिगर नहीं होते, तो उस तरह से जो अर्ली एस्टिमेट मूवी के आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि मूवी ने अराउंड 10 से 11 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया है मंडे में। 10 से 11 करोड़ का मूवी ने कलेक्शन किया है, तो मूवी का कलेक्शन अगर आप टोटल देखें तो मूवी ने अराउंड 161 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप कहेंगे कि मंडे में काफ़ी कम कलेक्शन था तो आप कह सकते हैं कि कम तो था लेकिन उतना भी कम नहीं है। वैसे लोगों ने, क्रिटिक्स ने एक्सपेक्ट किया था कि मूवी अराउंड 13 से 15 करोड़ के बीच में कलेक्शन करेगी, लेकिन ये मूवी जो है 10 से 13 करोड़ के बीच में ही कलेक्शन कर पाई, अराउंड 11 करोड़ के आसपास, और मूवी 161 करोड़ के आसपास कलेक्शन टोटल मूवी का जा पहुँचा। अब बात यह है कि मूवी आज के दिन कितना कलेक्शन कराएगी। तो मुझे लगता है कि मूवी आज के दिन ड्रॉप देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मूवी का जब मंडे में काफ़ी ड्रॉप देखने को मिला है संडे से, तो मंडे से ट्यूसडे में भी ड्रॉप देखने को मिलेगा और मूवी का जो कलेक्शन हो सकता है वो अराउंड 10 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो सकता है, 9 से 10 करोड़। हो सकता है कि मूवी सिंगल डिजिट्स में आ जाए, डबल डिजिट्स छोड़ के सिंगल डिजिट्स में आ जाए, ये काफ़ी चांसेस है मूवी के। और मूवी हो सकता है कि 9 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाए, लेकिन अभी वीकडेज पूरे पड़े हैं मूवी के लिए, तो आने वाले दिनों में और भी जो मूवी का है वो पता चलेगा कि मूवी किस दिशा को जा रही है। क्या मूवी 300 करोड़ क्रॉस करेगी? वैसे कल तक तो लग रहा था कि मूवी 300 करोड़ जरूर क्रॉस करेगी, क्योंकि संडे को मैच के बावजूद भी मूवी ने अराउंड 28 करोड़ का कलेक्शन किया था, लेकिन जैसे ही मंडे का कलेक्शन सामने आया तो मूवी थोड़ी डाउन हुई है। लेकिन अभी तक मूवी ने काफ़ी अच्छा, अभी से कलेक्शन कह सकते हैं क्योंकि भाईजान का स्टारडम काफ़ी ज़्यादा है और मूवी जो है वो एक अच्छे रिव्यूज़ के साथ आई है। डिस्पाइट कुछ रिव्यूज़ मूवी को नेगेटिव जरूर मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर रिव्यूज़ जो है वो पॉजिटिव मिले हैं, तो ये मूवी के लिए एक थम्स अप होने वाला है या फिर पॉजिटिव साइड होने वाली है। तो हमें देखना होगा कि मूवी आज के दिन कितना कलेक्शन करती है। मंडे में तो मूवी ने अपना कमाल दिया अराउंड 11 करोड़ का कलेक्शन करके, उतना भी अच्छा कमाल नहीं दिखाया लेकिन फिर भी रिस्पेक्टेबल कलेक्शन जरूर किया है। अब देखना होगा कि आज के दिन कितना कलेक्शन करेगी। अगर आज के दिन मूवी अराउंड 10 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करती है तो काफ़ी अच्छा होगा मूवी के। अगर 10 करोड़ से नीचे का कलेक्शन आता है तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि मूवी आने वाले दिनों में किस तरह से परफॉर्म करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।